नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शाइना जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ऐसे कौन से समाज सुधारक हैं जिन्होंने समाज में सबसे ज़्यादा नशा छुड़वाया है। शाइना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। शाइना जी, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से समाज सुधारक हैं जिन्होंने समाज में सबसे ज़्यादा नशा दूर किया? हमारे गुरु जी हैं MS जी, इन्होंने ही हमें सारा कुछ मतलब नशे के बारे में सत्संग वगैरह दे के समझाया और नामदान की बख्शिश प्राप्त की। तो इससे कितने लोगों ने नशा छोड़ा है गुरु जी के कहने पर? चार करोड़ लोग होंगे कम से कम। मैम, क्या आपको लगता है 4 साल होने वाले हैं अब समाज में नहीं है, कोई प्रभाव पड़ा है उनके ना रहने से समाज के ऊपर? मतलब नए जीव नहीं जुड़ रहे और पुराने जो हैं वो वैसे के वैसे टिके हुए हैं, मतलब आगे कहीं नहीं जा रहे, वैसे के वैसे संगत बेरा में आ रही है। और जैसे नामदान अब नहीं मिल रहा, इसकी वजह से लोग जुड़ नहीं पा रहे, मतलब जो हैं वो तो हैं ही, और बुराइयाँ मतलब और कम हो जाती अगर नशा वगैरह और छूट जाता अगर पिताजी। मैम, अभी DSP साहब ने भी बताया अभी सिरसा जिला भी नशे में 270 नंबर पे पूरी इंडिया में आया है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है, अभी नौजवान नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं आज के समय में? नौजवान क्यों जा रहे हैं? बस वो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको कोई अच्छी शिक्षा मिलती नहीं। नामदान वगैरह हमारे गुरु जी जैसे समझाते हैं, 3 वचन जो देते हैं उनके ऊपर लोग काबू अपने आप को कर लेते हैं। वो क्या जरूरत है मैम संत जी के समाज? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा जरूरत है मैम। जो उनके ऊपर दूसरी तरफ आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे आप उन आरोपों के बारे में? वो सारे झूठे हैं, झूठ सब। क्यों झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं मैम? बस यही नशा विरोधी हैं जो मतलब उनका नशा जैसे वो कम होता जा रहा है, पिताजी ने बंद करवा दिया तो उनका काम बंद हो गया, इसीलिए वो सोचते हैं कि हम पिताजी के ऊपर ऐसे आरोप लगाएं कि मतलब पिताजी की संगत टूट जाए। समाज को क्या बताओगे जो लड़कियां आश्रम में कभी नहीं आई, उनके दिमाग में एक डर है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? वैसे ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई भी ऐसा नहीं सोचता, डर वाली बात तो कोई भी नहीं। जो लोग कभी नहीं आए जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरु जी को देखा है, उनको हम कहेंगे कि डेरे में आने से ही पता चलेगा सच्चाई का, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं कह सकते। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पिताजी को रिहा किया जाए ताकि नए जीव हैं जो और वो आके जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार पब्लिक अपील कर रही है कि संत जी समाज में जल्द से जल्द वापस आएं, जो नशा उन्होंने छुड़वाया वो मुहिम को वो तेजी से और शुरू करें। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत